अरसलान, अब आप बड़े हो गए, कुछ मैनर्स सीखो। किसी के रूम में इतना बगैर परमिशन नहीं आते, हमेशा नॉक करते हैं। तैनियत, अपनी रूटीन को सेट करना होगा तुम्हें। जब तक तायरा अभी वापस नहीं आती, हमें अरसलान का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे वो रखती हैं। मुर्तजा, मेरी जितनी सख्त है ना, मैं उतना ही कर सकती। कब आ रही है तायरा आपकी? पता नहीं, ये तो नहीं बताया। बस ये कहा कि उनका कमरा साफ कर दूँ। बेगम साहिबा को उनकी बड़ी फिक्र रहती है, बहू बेटी में फर्क होता है ना। तेरे बिना मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं। या अल्लाह, रहम कर मेरी बच्ची पर, रहम कर। हम आज दवाई देती है, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह। ये ऐसा बुखार नहीं है बेगम साहिबा, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। इतने काम, इतने चक्कर, ऊपर जरा सा खाना ले जाने में देर क्या हो गई, तो इन्हें दीदी ने 10 बातें सुना दी मुझे। अरे ऐसी क्या बात है भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ उल्टा सीधा कह भी दिया तो बर्दाश्त कर लो। तुम्हें पता भी है कि वो उम्मीद से है। आपकी बात अलग है बेगम साहिबा, आप इतनी मोहब्बत से बात करती हैं, ये बहुएं अब कब अपनी बनती हैं? और वैसे भी वो तायरा बाजी के कमरे में नजर लगा कर बैठी हुई हैं, मुझे कह रही थी कि क्या कह रही थी? कह रही थी कि इस घर का सबसे अच्छा, रोशन और हवादार कमरा ताहिराबाजी के पास है। आपको और ताहिराबाजी को बार बार ऊपर नीचे करना भी नहीं पड़ता। अब जाहिर है इस घर में उनकी वो अहमियत तो नहीं हो सकती ना जो ताहिराबाजी की है। अच्छा अच्छा, बस रहने दो, ये खामखा की कुटनियों वाली लगाई बुझाई मुझे पसंद नहीं है। अपना काम खत्म करो, जाओ घर। जी मैं तो वैसे भी जा रही थी, कल से काम पर नहीं आऊंगी। अरे नहीं, तनखा में इतना सारा काम मुझसे नहीं होता। पर जाओ, नीचे जाओ, काम करो, वो काम करो। देखो तो जरा इसे, कितना ख्याल मैंने इसका किया, कैसे वक्त पे दगा दे गई मुझे। मैं क्या करूंगी अकेले, 100 काम में तहनियत के। अल्लाह, वैसे अफसोस है इन लोगों पर। ये क्या कर रही हो तुम? मुर्तजा प्लीज मुझे रोकिएगा मत। पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर से पूछे बगैर ये ब्रेस नहीं हटेगा। मुर्तजा मैं जरा जरा सी चीज के लिए यहाँ बैठी रहती हूँ, मेरे को बार बार आवाज देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब से सफूरा को कहा है कि मुझे पानी ला दे, जग खाली पड़ा है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आई वापिस और मैं तब से प्यासी बैठी हुई हूँ। बड़ी क्या बात हो गई, अम्मी को फोन कर देती तुम। कहा ना आपको अभी कि मुझे उन्हें जहमत देना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम नीचे शिफ्ट हो जाते हैं तायरा आपी के रूम में, जब तक तुम्हारा पाँव ठीक नहीं होता। ओके? नहीं मुर्तजा, मेरे ख्याल से आपी को बुरा लगेगा। बुरा क्यों लगेगा यार, चंद दिनों की तो बात है बस। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, आइए ना प्लीज। हाँ भाई, क्या प्लानिंग हो रही थी तुम दोनों? कुछ नहीं, बस मैं और तैनियत। देखो तैनियत, मैं तुम्हें इस घर में अपनी बेटी समझ कर लाऊंगी, बहू समझ कर लाऊंगी, और मुझे बहुत मान है अपने इस फैसले पर। कोशिश करो कि मुझे अपना ये फैसला गलत ना लगे। हो गया, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? देखो मुर्तजा, इस घर पे जितना तुम्हारा हक है उतना ही ताहिरा का भी। ताहिरा और उसके बच्चे के साथ हक तलफी करने के बारे में कभी सोचना भी ना। नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। मैं तो ताहिरा अपने बच्चे के साथ सहूलत से अपने कमरे में रहती है, उससे वाबस्ता कोई भी फैसला करने का अख्तियार तुम दोनों को नहीं है। उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं होगा, याद रखना।
रहेंगे तो आप, लगता है अम्मी कोई गलतफहमी हुई है, उन्होंने हमारी कॉन्वर्सेशन शायद आधी सुनी। रिश्ता ही ऐसा है, दिल में शक और वसवसे पहले आते हैं, भलाई और खैर बात है। मैं जानती हूँ मुर्तजा, आपकी जिंदगी में अव्वलीन तरजीह आपके खूनी रिश्तों की। अगर किसी को कोई शक है तो मेहरबानी करके आप ये शक दूर कर दें। ये सब कुछ आप लोगों का है और आप लोग एक दूसरे का। मेरा किसी पे कोई दावा नहीं है। तहनीत, इस तरह क्यों कह रही हो यार? अगर अम्मी को किसी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसमें मेरी क्या गलती है यार? तुम जानती हो ना शादी के बाद एक मर्द किस तरह बढ़ जाता है। अब जैसे अम्मी है मेरे लिए, तायरा आप ही हैं, अरसलान है, तुम्हारा मुकाम भी मेरे दिल में वैसा ही है यार। सिर्फ मेरे समझने से क्या होता है तुझे? तहनीत प्लीज, मैं बात करूंगा मम्मी से, ओके? प्लीज यार, अब रो तो नहीं। अच्छा अच्छा बैठो, मैं पानी डाल के, प्लीज बैठो। अम्मी यकीन जानिए, ये मशवरा तहनीत का नहीं था, मेरा था। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, और मैंने तो सिर्फ दो चार दिन की बात की थी, जब तक तायरा आप ही वापस नहीं आ जाती। आपको पता है तहनीत आपके बारे में फिक्रमंद हो रही थी, कह रही थी कि चोट उसको लग गई है और सारा काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है, हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन एक बात का तो तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, तायरा उस कमरे में बचपन से रहती आई, अगर उसने बुरा महसूस कर लिया तो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी समझ रहा हूँ। आई थक गई बहुत। कोई बात नहीं, आप बैठे ना, थक गए, रेस्ट करें। क्यों करती है इतना काम? क्या करूं फिर, मुसफूरा की बच्ची को देखो, ऐन वक्त पे दवा दे दे, काम तो करना है मुझे। तो अल्लाह रखे मेरी बच्ची ताहिरा को, उसने सारा घर भी संभाल रखा और मुझे भी, बड़ी याद आ रही है आजकल। ठीक कह रही हैं अम्मी, ताहिरा अभी भी एक ब्लेसिंग है, दोस्त और बहन एक ही रिश्ते में मिल गए मुझे। मैं फिर माजरत कर रहा हूँ आपसे, बता रहा हूँ कि मेरी कोई इंटेंशन है। अच्छा बेटा देखो, माँ का दिल तो ऐसा है कि बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दे, लेकिन बस ये याद रखना कि ताहिरा और अरसलान की अहमियत तुम्हारी जिंदगी में कभी कम नहीं। अम्मी अरसलान जाना मेरी, ताहिरा आप ही को इतना मिस कर रहा हूँ मैं, तेरा कितना सोना हो गया, अगर दो चार दिन में नहीं आई ना तो खुद जाके लेके आऊंगा उन्हें। देखो नूरुल ऐन से रिश्ता करते हुए यही धड़का था मुझे, वो तुम्हें तुम्हारे रिश्तों से अलग कर दे। और देखो तहनीत कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सादा दिल मासूम सी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कभी तुमसे जुड़े रिश्तों को कोई दुख नहीं पहुंचाएगी। लेकिन तुम भी याद रखना कि तुम शौहर होने के अलावा एक बेटे भी हो और भाई। नहीं करूंगा। कैसी हो? आई एम फाइन, बस याद आ रही थी इसलिए कॉल कर ली। समझ नहीं आ रहा पूछूं क्या, पूछने की जरूरत ही क्या है नूर?
खैर तुम अपनों से दूर काफी खुश और मुतमईन नजर आ रही हो। उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ खुश तो इसलिए हूं कि जो जिंदगी में चाहती थी वो गुजार रही हूं, करियर पर फोकस कर रही हूं। तुम्हारे लिए रिश्ते भी चीजों जैसे हैं ना नूर, दुख हुआ मुझे ये जानकर। अब ये बात करी थी तो मैं भी एक बात बताती चलूं, रिश्ते तो वक्त के साथ चलते ही रहते हैं तैनात, लेकिन क्या है ना कि तरक्की का एक वक्त मुकर्रर होता है, वक्त सारी जिंदगी आपका इंतजार नहीं करता। एनीवे, प्रिंस चार्मिंग कैसे हैं आपके? कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई तुम दोनों के बीच में? तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग को मैं तो नहीं जानती। हाँ, अगर तुम मुझसे मेरे शौहर के बारे में पूछ रही हो तो वो खैरियत से हैं, और ऑफ कोर्स हम एक दूसरे को समझते हैं, तो साथ हैं। ना समझते होते ना नूर तो अब तक जुदा हो चुके होते। हाँ वो तो नजर आ रहे, कहीं दिख नहीं रहा, क्यों अब तक बारी नहीं आई है तुम्हारी? बारी तो तुम्हारी नहीं आई नूर, इसलिए तो मुझसे ये सवाल कर रही हो। मेरी बारी आती ना तहनीत, और अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो आज जाने। मैं भी क्या कह रही हूँ, तुम्हारी जगह मैं होती ही क्यों। खैर तुम अपना ख्याल रखना, पता नहीं क्यों कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। पांव कैसा? ठीक है। अम्मी के पास बैठा हुआ था, वक्त तो पता ही नहीं चला, खासी देर हो गई। और अम्मी की गलतफहमी भी दूर हो गई। वाकई अल्लाह का शुक्र है। नूर का फोन आया था, आपका पूछ रही थी। मेरा पूछने के लिए उसे तुम्हें कॉल करने की क्या जरूरत है? उसे लगता है कि वो हम दोनों से बहुत आगे निकल गई हैं, और हम वही अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर पछता रहे हैं। हम उसकी सोच के पाबंद नहीं है, आपसे एक बात पूछूं? अगर नूर यहां होती और आपकी दोस्त होती तो आप अपनी नई जॉब की खबर को सबसे पहले किसको सुनाते? Thank you.
कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? थैंक यू। हेलो। हाँ तैनियत, तुम आंटी की तरफ हो? जी मुर्तजा, वो इतने दिनों से मामा और बाबा से मिली नहीं थी ना, वो लोग भी कई उदास हो गए थे। अब तो बैंडेज खुल गई है तो सोचा सबसे पहले मामा और बाबा से मिला। अच्छा देखो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मैं कहूँ चलोगी साथ? क्यों नहीं मुर्तजा, चलूंगी। ठीक है, मैं बाहर पहुंच के फोन करता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। आ जाओ इधर। कैसा लगा? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत प्यारा है। पता है, और अच्छी बात यह है कि ये हाफ फर्निश्ड भी है। जंगत, तुम्हें लगता है ना कि मैं अपनी खुशियां दूसरों से पहले और तुमसे बाद में शेयर करता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि ये कुछ खबरी सबसे पहले तुम्हें सुना। यू डिजर्व इट। पता है, ये घर मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मिला है, फर्स्ट कॉम शिफ्ट हो रही। सच कह रहे हैं? नहीं, मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, सच कह रहा हूँ। अब इस तरह बोलोगी ना तो ये घर माइंड कर जाएगा। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ बाकी रूम दिखाओ तुम्हें। तैनियत, ये है ऊपर का मास्टर बेडरूम। कैसा लगा तुम? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि मुझे ना ये रूम पसंद आ गया। मैं तो सोच रही हूँ कि यही रूम मेरा होगा। अब आप ये नहीं कहिएगा कि हम सबसे आखिर में पसंद करेंगे? ऐसी बात होती है तो तुम्हें यहाँ पे लाता ही क्यों? तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया हूँ ताकि अपनी मर्जी से रूम से लेकर। हैप्पी? और ये देखो, हम ये है किचन, ये है लाउंज, और ये है आपका कमरा। कैसा लगा बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें नसीब करे, तुम दोनों को खुशियां दे। लेकिन बेटा, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं और तायरा यहीं रहेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये घर मुझे ऑफिस की तरफ से मिला है और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। और रही इस घर की बात, तो मैंने सोचा है कि इसको रेनोवेट कराएंगे, फिर इसको रेंट पे चढ़वा दें, और जो भी रेंट आएगा वो आपके हवाले। देखो बेटा, इस घर में मेरी बहुत उम्र गुजरी है, बहुत सी यादें हैं मेरी तुम्हारे वालिद के साथ, तुम्हारे बचपन के साथ ढेरों खूबसूरत यादें हैं। इस घर में मैंने बहुत बहुत अच्छे वक्त देखे,
तुम्हारी और ताहिरा की खूबसूरत यादें हैं, तुम्हारे बचपन की कहकहे, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी शरारतें, सब सब मेरे साथ हैं। यहाँ आज भी जब अपने घर की चीजें समेटती हूँ, फैलावा समेटती हूँ, तो तुम लोगों के खिलौने समेटना याद आ जाता है मुझे। बहुत ही प्यारी यादें हैं, और यादों को रेंट पे कहाँ दिया जा सकता है। लेकिन तुम दोनों चाहो तो तुम चले जाओ, मैं और ताहिरा यहाँ ठीक हैं। ठीक है अम्मी, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं और तहनिया दिए घर छोड़ के नहीं जाए। क्यों तहनिया? मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे लगता है तहनियत को ये बात अच्छी नहीं लगी, और मैं तुम दोनों की खुशी के दरमियान नहीं आना चाहती। बेटा देखो, अगर तुम दोनों वहाँ खुश रह सकते हो तो हमें कोई इतराज नहीं। ये कैसी बातें कर रही हैं यार? भला मैं और तहनियत आपको, ताहिरा आपी को और सलान को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आपकी हर बात हर पहर बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूँ कि इस घर से आपकी उनसियत और लगाव यकीनी है, और रह गई बात तहनियत की तो मैं बात करूंगा उससे। जितना मैंने उसे जाना है, वो अपनी खुशी की महल की तामीर किसके दुख पे रख के नहीं करी। आप फिक्र ना करें, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा फरमा बरदार बेटा बेटा खुदा का तोहफा हो तुम मेरे। तुम जाकर तहनियत को समझाओ, वो मान जाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र के अपने कुछ ख्वाब होते हैं, तकाजे होते हैं, फिर भी तुम प्यार से समझाओगे ना, समझ जाएगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अरसनान, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अगर जॉब करना चाहती हो, उसमें तुम्हारी खुशी है, तो व्हाई नॉट करो, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। लेकिन अम्मी, के तेरे बिना मैं नहीं, मैं नहीं, के मेरे बिना तू नहीं। तहनियत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुँची है। एक्चुअली गलती मेरी है यार, इतना बड़ा कदम लेने से पहले मुझे ये सोचना चाहिए था कि अम्मी भी हर्ट हो सकती हैं। प्लीज गलत मत समझना, अम्मी हमें किसी भी खुशी से महरूम नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो मुझे कह रही थी कि अगर तुम दोनों चाहते हो तो शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन वो और ताहिरा आप इधर ही रहेंगे। अब तुम ही बताओ ना, ये किस तरह पॉसिबल है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ मोतीसा, इन रिश्तों से दूर जाकर आप कभी खुश नहीं रहेंगे। तो भला मैं आपको आपकी खुशियों से दूर क्यों करना चाहूंगी? मैं भी औरत हूं, अपने घर से जुड़े दूसरी औरत के जज्बात को अच्छी तरह से समझ सकती हूं।
आपकी अम्मी की जगह अगर शायद मेरी मामा होती तो वो भी यही करती हैं। सही बात मेरी तो मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि अपने ख्वाबों पे कैसे समझौता करके दूसरों की ख्वाहिशों का पास रखा जाए। मेरी फिक्र ना करें आप। थैंक यू सो मच तैनियत, जिस तरह कदम कदम पे तुम मेरा साथ दे रही हो ना, मैं लम्हा लम्हा तुम्हारा मकरूज होता जा रहा हूँ। नहीं मुर्तज़ा, मोहब्बतों में ना कोई कर्ज नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है। और भला आपके सिवा कौन है मेरी जिंदगी में जिसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलना चाहूँ। घर गली मोहल्ला कोई भी, रहना तो मुझे आपके साथ ही है। हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो और बात है कि जो माँ होती है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, माँ तो माँ है ना। बस आ जाओ, बस तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। खुदा हाफिज़। बहुत मिस कर रही है ना आप ताहिरा आपी को? हाँ, फितरी सी बात है, इसके बगैर घर सोना सोना लगता है। अपनों से दूरी भी इंसान के वजूद को अधूरा कर देती है। मैं तो फिर उसकी माँ हूँ। खैर इंशाल्लाह कल आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने अम्मी, सिर्फ आप ही नहीं हम सब बहुत उदास हो गए थे उनके लिए। तुम्हारा फोन है। जी जी मुर्तज़ा। हाँ तैनियत, मैं आज घर जल्दी आ जाऊँगा, हमें कहीं जाना है, तुम्हें मिलवाना है किसी से। किससे मिलवाना है? मेरे ऑफिस के नए बॉस हैं, उन्होंने मेरी जॉब की खुशी में डिनर रखा है, उनकी वाइफ भी होंगी तो अच्छा वक्त गुजरेगा। मैं अराउंड 8 o'clock आ जाऊँगा, तुम रेडी रहना। ओके ठीक है, मैं तैयार होंगी। ऑफिस वो मुर्तज़ा के बॉस ने वेलकम डिनर दिया है तो मुर्तज़ा कह रहे थे कि रात को तैयार होंगे। अच्छी बात है, मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, घूमो फिरो, मजे करो, अच्छी सी बन के जाना। और अरसलान की फिक्र मत करना, मैं देख लूँगी उसे। जी तो मैं ये कर लेती हूँ फिर। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। ठीक है। तो कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। थैंक यू। वैसे तो मैं कोई और ड्रेस पहनने लगी थी लेकिन फिर अम्मी ने इनकार किया कि यही ड्रेस। वैसे थोड़ा हैवी लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, और अच्छा हुआ कि तुमने अम्मी की बात मानी, खुश होंगी। ये कलर तुमने पहले कभी पहना नहीं, तो अपने कपड़े को डिजाइन के लिए करती थी नहीं? एक्चुअली ये ड्रेस मैंने ही डिजाइन की। रियली? एक बात बताओ अनिया, फिर शादी पे तुम क्यों मस्जिद थी कि वो नूरुलैन हर मामले में तुम्हें हेल्प आउट करे? पता नहीं, अब सोचती हूँ तो ख्याल आता है कि शायद मैंने नूर और उसकी दोस्ती को जरूरत से ज्यादा ही अपनी जिंदगी में जगह दे दी थी। उसकी मर्जी और उसकी पसंद को अपनी मर्जी और पसंद समझने लग गई थी मैं। शायद मैंने अपनी मर्जी से कभी कुछ किया ही नहीं है।
छोड़ो, माजी की बात है। इम्पोर्टेंट ये है कि अब जिंदगी भी तुम्हारी है और मर्जी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं कैसा लग रहा? यह है मुर्तजा जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, और यह है तहनियत की गवाही। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक। और यह है मेरी वाइफ। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मेरा पूरा नाम है मोहसिना फारूक और मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, और मेरी एक बहुत पॉपुलर बुटीक है जमजमा पे जेबाइश के नाम से। अच्छा, मैंने अपनी शादी के काफी ड्रेसेस आपकी बुटीक से लिए थे। ओह हाउ वंडरफुल, एक्सीलेंट। मोहसिना, अब आपके बिजनेस की अच्छी खासी कवरेज हो गई है, तो डिनर तैयार है, तो क्या अच्छा है कि हम डिनर खाने? बिल्कुल जी, बिल्कुल आइए। प्लीज मुर्तजा और लेना, प्लीज। नहीं सर, थैंक यू सो मच, फूड वाज लवली। आप लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, इतना तकल्लुफ कर रहे हो। ऐसा मत कहे, हमने पेट भर के खाने का है। गुड। स्मोक? मेरे पास सिगार का बहुत अच्छा कलेक्शन है। सर, आई डोंट स्मोक बट आई एम शोल्डिंग इन कंपनी। तो चले, आई होप आप खवातीन बाइक नहीं करेंगे। नो नो, नॉट एट ऑल जी, आप लोग जाइए। प्लीज सर, जाइए। आओ तहनियत, हम भी यहाँ बैठते हैं। जी। वैसे कितना अच्छा लगता होगा ना आपको जब लोग आपको पहचानते होंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करते होंगे। ये तो है वैसे तहनियत, लेकिन मेरे लिए फेम ये सारा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट आई लव माय वर्क। मुझे उसी चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, एंड आई फील दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या करती हो, क्या करने का शौक है? मैं कुछ खास नहीं, घर पे ही होती हूँ। बाबा के बहुत इसरार पर मैंने बिजनेस पढ़ा है, लेकिन इंटरेस्ट मेरा हमेशा से आर्ट्स में ही था। आपके काम की तरह मुझे भी ड्रेस डिजाइनिंग का बहुत शौक था। शौक था? क्या मतलब है? शौक कभी भी था नहीं हो सकता, एक पैशन की तरह हमेशा बढ़ता है। कि जो तुमने आउटफिट पहना है कितना प्यारा है, आई रियली लव इट। थैंक यू सो मच, ये ड्रेस मैंने खुद डिजाइन किया। रियली? ओह माय गॉड, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। पता है ऑनेस्टली, अगर तुम कभी भी इस फील्ड में आना चाहती हो ना, मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करना। मैं तुम्हें जो कुछ होगा तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, एंड आई रियली मीन इट। मुझे ऑफर तो कर रही है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इट डजंट मैटर कि तुम्हारे पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है नहीं है, मुझे तुम जैसी ही यंग, क्रिएटिव, एस्पायरिंग, पैशनेट लोग चाहिए अपनी कंपनी में, जिनको कुछ करने का शौक हो, आगे बढ़ने का शौक हो। रियली रियली लाइक दैट, एंड ऑनेस्टली ऑफर इज ऑन एनी टाइम यू वांट। थैंक यू सो मच। तैनियत, कभी सोचा है जिंदगी से क्या चाहती हो? मुझसे आज तक किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि मैं जिंदगी से क्या चाहती हूँ, कैसे सोचती हूँ। मुझे हमेशा लोगों ने बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने हमेशा उनकी बात सुनी है। ये जो जॉब ऑफर है, इसके बारे में कितना सीरियस है? मेरे सीरियस होने से क्या होता है? मैं क्या चाहती हूँ ये इतना अहम नहीं है। क्या हो गया तेनी, खुद को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों कर रही हूँ? तो
अगर जॉब करना चाहती हो उसमें तुम्हारी खुशी है तो व्हाई नॉट करो, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। मुर्तजा आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे मिसेस फारूक ने एक ऐसी जॉब ऑफर की है जिसको पहले मुझे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर ही जाकर मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूंगी और सब में वक्त लगेगा। सो व्हाट, वक्त हमारा है तैनिया, मेरी तरफ से तुम कल से ज्वाइन कर सकती, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम्हें लगता है कि तुम इस कंडीशन में? मैं कर लूंगी मुर्तजा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कर लूंगी। लेकिन अम्मी, मैं कर लूंगा अम्मी से बात। आके हैप्पी? बहुत। हाँ लेकिन ऐसी कैफियत में जब उसके ऐसे दिन गुजर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है कि ये खामखा का बोझ अपने कंधों पर ले? अभी बोझ नहीं है, ख्वाहिश है उसकी, और ख्वाहिश की तकमीन इंसान को थकाती नहीं है बल्कि मुकम्मल करती है उसे। अम्मी एक्चुअली तहनियत ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखती है, दूसरों के सामने शो नहीं करती, बस दूसरों की खुशियों में खुश हो जाती। लेकिन अम्मी मैं ये चाहता हूं कि तहनियत की भी अपनी कोई खुशी हो, जिंदगी में मुतमईन रहे, कोई हसरत ना रह जाए उसकी, और अगर घर की जिम्मेदारियों के साथ, माँ बनने के साथ अगर वो सब कुछ मैनेज कर सकती है तो हर्जी क्या। मुर्तजा मुझे लगता है तुमने जहन बना लिया और फैसला भी कर लिया। मेरी प्यारी अम्मी, फैसला नहीं किया मैं, अभी सिर्फ आपसे मशवरा कर। देखो बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, इस घर में मोहब्बत, भरोसे और एतमाद की फिजा कायम रहे। वैसे ही देख लो कि माँ बनने के बाद जिंदगी काफ़ी बदल जाती है, लेकिन अगर एक औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, और अगर वो ये लेकर चलना चाहती है जिम्मेदारियाँ तो मुझे क्या एतराज़ है। अगर तुम दोनों इस तरह खुश रहते हो तो मैं और ताहिरा तो हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पता है तहनियत ऐसी डर रही थी कि शायद आप माइंड करेंगे। अरे मैंने कब डराया उसको।